पहाड़ और देख सकते हैं जितने भी माउंटेन है यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। अब भी जो है टाइम करीब 10 बज चुके हैं और हम दोनों आप देख सकते हैं जा रहे हैं हमारी कॉलेज पीएन कॉलेज में, क्योंकि आज जो है मुझे कुछ काम है कॉलेज में, तो गांव से सीधा जा रहा हूँ कॉलेज। देख सकते हैं मेरी स्कूटी से, तो यहाँ पर भाई जो है आसमान में काले बादल आ रहे हैं, तो बारिश भी हो रही है और लाइटिंग भी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो पता नहीं भाई कैसे जाएंगे, लेकिन कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं भाई जो है कल गया था अपने घर, अब आ गया है, हम दोनों मिलकर जो है कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में ही मिलते हैं। Mind, I can get them out, no matter how hard I try. I need you when your heart next to mine, yeah, I'm all about. तो अब भी भाई बारिश शुरू हो गई है, तो पता नहीं रेनकोट पहन के जाएंगे ऐसे चले जाएंगे। तो अभी जो है मैं एटीएम में आया हूँ पैसा उठाने, लेकिन बाहर जो है बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जो है भाई मैं फिलहाल हूँ, तो वहाँ पर भाई यहाँ पर यहाँ से भाई कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो है पूरा भीग कर जाना पड़ेगा, क्योंकि रेनकोट भी पहन कर जाना पड़ेगा, तो ब्लॉक करने में बहुत दिक्कत होगी। बारिश हो रही है तो पूरा भीग जाएंगे लगता है, रेनकोट है लेकिन भाई रेनकोट इतने दूर जाएंगे तो भीग जाएंगे, रेनकोट भी कोई काम नहीं आने वाली है। तो वही उस बैंक के एटीएम में जो है पैसा नहीं था, तो फिलहाल हम इस बैंक के एटीएम में आ चुके हैं। यहाँ पर जो एसी लगी है बहुत ही तगड़ा है, लेकिन बाहर जो बारिश हो रही है इसकी वजह से भाई बोल सकते हैं कितनी दिक्कत होने वाली है। अब भी हमें कॉलेज जाने है। A few moments later. भाई रास्ते में तो भाई कमाल की बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए जो है भाई हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ से भाई इतनी तेज बारिश नहीं हो रही है, तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई बारिश हो बहुत तेज हुई थी भाई, 20 किलोमीटर करीब हमने बारिश में ड्राइव करके आया, गाड़ी में भी पेट्रोल भर लिया, तो देख सकते हैं भाई हालत कुछ ऐसी है, रेनकोट पहन कर भाई ड्राइव करना पड़ता है, हेलमेट तो भाई मेरे पास है, अभी निकला है। यहाँ पर भाई कुछ टाइम हम रुके हैं, बारिश जो है आसमान में भाई बहुत सारा बादल है, तो बारिश कंटिन्यूसली यहाँ पर हो रही है। तो भाई से पूछते हैं कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस बारिश में ड्राइव करने के बाद, पीछे बैठा था मेरा, मैं ड्राइव कर रहा था, तो भाई से पूछते हैं कैसा लगा आपको? भाई मेरे को तो अच्छा लगता है पीछे बैठ के मौसम को एंजॉय करने में, लेकिन भाई लाइटिंग भी हो रही थी, लेकिन भाई ड्राइव करने बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी और जो है लाइटिंग हो रही थी अच्छा लग रहा था। फिलहाल हम जाते हैं कॉलेज की तरफ, बहुत लेट हो गया यहाँ पर। कुछ इस तरह की आज के हमारे दिन जा रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बारिश की तरह, और ये रास्ते में जो है बिल्कुल भाई इतने भी लोग नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ टाइम वेट कर रहे हैं और जाएंगे अब। भाई आप वहां पर देख सकते हैं इस चिड़िया को एक ही जगह पर रुका है, क्योंकि इतनी तेज यहाँ पर हवा चल रही है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर तो भाई स्लोली स्लोली चले, लेकिन भाई देख सकते हैं उड़ नहीं पा रहा है, जा रहा है फिर से रुक जा रहा है, देख सकते हैं इस तरह से कुछ उसकी हालत है। ऊपर जो है बहुत तेज हवा चल रहा है, देख सकते हैं उड़ नहीं पा रहा है अच्छे से, देख सकते हैं भाई कितनी हालत है उसकी बुरी हो रही है। एक बार देख सकते हैं रुक गया है, पता नहीं कौन सी चिड़िया है ये। तो अभी जो है यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, देख सकते हैं पिपली ओवर ब्रिज के बाद यहाँ पर जो है भाई थोड़ा भी बूंद नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ भाई हमारी जो निमापड़ा में बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है। यहाँ की भाई एनवायरमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, आपकी एक सिनेमेटिक व्यू दिखा रहा हूँ। तो भाई फिलहाल चला रहा है बाइक, तो हेलमेट पहनने के बाद तो मेरा सर जो है बहुत ही भारी हो गया है, क्योंकि बारिश से अभी हेलमेट वाइज अभी उतारा है, तो अभी भी हेलमेट पहन कर जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छी तरह से भाई मौसम है, रोड देख सकते हैं बहुत अच्छी, आप एक सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ यहाँ की। Yeah.
पीछे पहाड़ और देख सकते हैं जितने भी माउंटेन है यहाँ से शुरू हो जाते हैं पीछे। तो यहाँ से शुरू हो जाती है लाल मिट्टी का एरिया, जितने भी एरिया आप यहाँ पर खुदाई करोगे आपको लाल मिट्टी मिलेगी। भाई इस रोड में जाने की सबसे दिक्कत है बहुत सारे तो अभी तक भाई रोड से और सटे नहीं गया है, इतना सारा रोड देखकर इस पर गए, इस रोड पर क्यों है मुझे पता नहीं है। यहाँ की जो एरिया है बिल्कुल नॉर्मल एरिया है, आपको जो यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको हर 400 या 500 मीटर में होम्स मिल जाएगी, जो कि होम्स भाई इतने बड़ा है कि आपको ब्रेक लगा कर रुकना पड़ेगा और अच्छे से जो है होम्स पार करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ी होम्स यहाँ पर है। तो अभी आप मेरे कैमरे से पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भी जो बारिश शुरू हो गई है, तो हम जहाँ पर जाते हैं तो बारिश लेकर जाते हैं। रास्ते में जो है बहुत तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं रेनकोट के ऊपर। देख सकते हैं इस साइड पर, तो इस साइड की जो है वाल आपको दिख रही होगी, तो कुछ ही देर में जो है हमारी कॉलेज है। जो है BSF कैंप की शुरुआत हो चुकी है, तो ये तो देख रहे हैं भाई ये आर्मी का जो एक कैंपस है, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हॉस्टल जा रहे हैं, वहां से आसानी होगी तो प्राण के नाम पर रहेंगे। तो अभी जो है कॉलेज की रोड में ही जा रहा हूँ, इस रोड का आपने तो पहचाना होगा, मैं आराम से रोड पे वीडियो बना रहा हूँ। जो है हम जा रहे हैं हॉस्टल, और हॉस्टल भी अभी पहुंचने वाले हैं, हॉस्टल की जो वाल है इसकी शुरुआत हो चुकी है, 10 मीटर ही रह गया हॉस्टल में पहुंचने के लिए, पहुंच गया हम हॉस्टल। अब भी जो है हम लोग पहुंच गए अब हमारी हॉस्टल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्कूटी यहाँ पर खड़ी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पर भाई को पूछते हैं हॉस्टल बाहर से देखने में उसको कैसी लगी, भाई कॉलेज अभी बाहर से देखकर आए, तो हॉस्टल देखने के बाद भाई हॉस्टल देखने के बाद PN कॉलेज की उसको क्या फीलिंग है और क्या भाई बोलना चाहता है इस हॉस्टल को देखने का। बंगला है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि हॉस्टल की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ की बहुत ही अच्छी है लेकिन बॉयज हॉस्टल की हालत बहुत ही खराब है। आप तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है, तो चलो अभी चलते हैं हमारी हॉस्टल में भाई के साथ। हॉस्टल में पहुंचने के बाद रूम में जो है रेनकोट मैंने रख लिया, तो भाई को पूछते हैं हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट लुक में, भाई एक बार बोल
किस तरह लग रहा है हमारी वजह से, जैसे कबड्डिया खाना भी। बिल्कुल भाई सही बोला है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बिल्कुल ही खराब है। तो मैं जब आया था एडमिशन के लिए यहाँ पर, तो मुझे पता नहीं था कि हॉस्टल जो है इस तरह से। यहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही थी, आपको एक बार दिखाता हूँ किस कहाँ तक काम जो है गया है और कितने दिनों में तैयार हो जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं।